गाइज वेलकम माई न्यू ब्लॉग। और गाइज मैं हूँ सचिन। और गाइज जो आज की जो हमारी वीडियो है यार बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, और आप लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल भी होने वाली है, और शायद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी मिलने वाला है इस वीडियो से। तो यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो गाइज ये देखो आज बज रहे हैं अभी 4:30 के लगभग हो रहे हैं। ये टाइम अपना होता है वीडियो शूट करने का, जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो है वो शूट करने का होता है। यार मैं इस टाइम अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ यार, इसका मतलब कि मेन रीज़न बताऊँ क्या है। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया बैंक की तरफ से कि आपका जो सेकंड पेमेंट है वो आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया गया है। तो यार आप लोग भी पूछ रहे थे कि भाई 21 तारीख तो गई है, आपका पेमेंट कब आएगा, कौन कितना आया कितना नहीं आया। तो मैं सोचा यार आप लोगों को पहले ये बता दूं कि पेमेंट कितना है। देखो अब रात हो जाएगी तो शायद व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और एक्सपेरिमेंट वगैरह भी शूट करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यार मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बता दूं कि सेकंड पेमेंट अपना कितना है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई आपका स्टूडियो टूर भी कराओ, मतलब कि आप स्टूडियो दिखाओ कहाँ पर वीडियो शूट करते हो एक्सपेरिमेंट वगैरह की। तो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा वो भी। और गाइस यार देखो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी होगी। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप लोग। ये आपके लिए ये वीडियो शायद नॉलेजफुल होने वाली है कि मतलब सेकंड पेमेंट कितना आया और क्या मेरे को प्रॉब्लम दोबारा हुई, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहले मैं अपना स्टूडियो दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई यार स्टूडियो की बात करें तो जो आपका ये दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह वीडियो में देखा होगा और बहुत सी व्लॉग वीडियो में देखा होगा, ऐसा बैकग्राउंड आता है, ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये आता है। बट यार जो ये मेरा स्टूडियो टूर मतलब कि स्टूडियो है जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये स्टूडियो नहीं समझ सकता, बट एक तरीके से मेरे लिए तो स्टूडियो है ही, है ना। मैं यहाँ पर बैठ के व्लॉग शूट करता हूँ। अब यार आप लोग टेबल देखते हो ना, देखो यार ये बुक मैंने यहाँ पर रख दी, मैं यहाँ पर पढ़ रहा था धूप में बैठ के, तो मैंने ये बुक यहाँ पर छोड़ दी अभी। तो यार देखो ये जो आपको कूलर दिख रहा है इसको मैं टेबल बनाता हूँ, इसके ऊपर है ना वो रख देता हूँ कुछ पर्दा वगैरह कुछ भी, और इसके ऊपर रख के वीडियो शूट करता हूँ। अभी थोड़ी देर में वीडियो शूट होगी ना एक्सपेरिमेंट की, तो एक क्लिप मैं दिखा दूंगा आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद भी। तो कुछ यही है मेरा स्टूडियो, ये कुक चेयर है, बाकी जब जो वीडियो इससे शूट नहीं होती उसको मैं ये कूलर हट जाता है और शूट हो जाती है यहाँ पर। और बाकी जो खतरनाक वीडियो डेंजरस वीडियो है वो खेतों में होती है। बट यार अब ये जो खेत दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये बहुत सारे खेत हैं यहाँ पर, देखो हमारे घर के वो खेत हैं। अभी उनमें क्या है फसल उगा दी है इसमें, तो शायद ये बुक हो चुके हैं, अब नहीं बना सकते उसमें वीडियो। तो यार अब बनाने के लिए बताऊँ क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, जो कि देखो ये मेरा घर है। तो यार अब हम जाएंगे जो जोहेड है ना, आप लोगों ने देखा होगा जो जोहेड है वहाँ पर वीडियो शूट करेंगे एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि यार खेत फिलहाल बुक हो चुके हैं। और आपको ये दिख रहा है जो ये पेड़ है, ये एक पपीता का पेड़ है, बट आज तक इसमें कोई पपीता नहीं आई। तो गाइस यार देखो ये मेरा स्टूडियो था, बाकी और जो मेरा सामान होता है वो इसमें होता है, इसके अंदर रखा रहता है सामान वगैरह। अब यार एक टीवी बच रही है, मैं सोचता हूँ इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करें, बट यार आप लोग आइडिया देना इसके साथ क्या करें। और एक यार ये साइकिल मेरी बहुत पहले की साइकिल है, जो पापा ने मेरे को पहले दिलाई थी जब मैं पढ़ता था स्कूल में था 10वीं क्लास के लगभग, तब दिलाई थी, अभी यहाँ पर ही रखी है। बट यार मैं सोचता हूँ इसको साइकिल को थोड़ा मज़ेदार बनाएं कुछ, तो जल्दी इस साइकिल को मज़ेदार बना देंगे आप लोगों के लिए देखना। बाकी इतना बड़ा ही स्टूडियो मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ पर ही मैं स्टूडियो मतलब वीडियो शूट करता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। तो गाइस यार एक काम करता हूँ, मैं इस स्टैंड पे फ़ोन को लगा लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ सामने जाके। तो मैं पहले स्टैंड को खोल के फ़ोन को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कितनी पेमेंट आई कितनी नहीं। तो गाइस यार देखो मैंने ये फ्रेम सेट कर लिया इसमें स्टैंड पे, और मेरे को नहीं पता कि कैसी फ्रेम आ रही है, उल्टा टेढ़ा कुछ भी। तो यार देखो पेमेंट की बात करते हैं, जो पेमेंट है वो जितनी भी आई है ना, मैं आपको जो इंस्टाग्राम है मेरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि यार यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है कि आपका पेमेंट आप यहाँ पर नहीं बता सकते। बट जो मेरा इंस्टाग्राम है, जिसने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर रखा होगा उसको तो पहले पता लग गया होगा, बट आप लोग भी है ना, मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप लोग क्लिक करोगे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाओगे, उसी पोस्ट पे जो पेमेंट आया है ना उसी पोस्ट पे जाना, और वहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हो। तो यार गाइस देखो यार मतलब कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बट यार देखो मेरे को है ना पेमेंट से ज़्यादा ना मेरे को आप लोगों का प्यार चाहिए, सही में यार मैं ना पेमेंट के लिए बिल्कुल नहीं करता, मेरे को मैं सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए करता हूँ। बाकी अभी का कुछ ऐसा सीन है कि मैं अकेला ही वीडियो शूट कर रहा था, स्टैंड वगैरह सब कुछ अकेला ही कर रहा हूँ, और बहुत बार तो ऐसा होता है मेरे साथ जब मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह की वीडियो शूट करता हूँ ना, तभी मैं खुद अकेला ही खड़ा होकर स्टैंड पर लगा के फ़ोन को और शूट करता रहता हूँ। और यार आप लोगों के मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से ना
मैं आज यहाँ पर पूछ पाया हूँ। और गाइस यार देखो, अभी ऐसा सीन है कि अभी बज चुके हैं, 4:30 लगभग हो चुका है, और मेरे को मार्केट जाना है, कुछ सामान वगैरह लेके आना है उसका एक्सपेरिमेंट वीडियो के लिए। और अब तो थोड़ा बजट भी हो गया, तो शायद एक्सपेरिमेंट वीडियो कंटिन्यू निकालता रहूँगा मैं, क्योंकि बजट की वजह से मैं वीडियो पोस्टपोन कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे आइडिया तो हैं बट बजट नहीं बन पा रहा उसके लिए। और बाकी आप लोग भी है ना, मेरे को आइडियाज़ लिख के दो अपने दिमाग में, जितने भी खुराफाती आइडिया है ना, तो कमेंट में लिख के दे देना, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊँगा। और सेकेंड पेमेंट का तो आपको मैंने बता ही दिया, आप जाके इंस्टाग्राम पर देख लोगे। और अब मैं मार्केट जाके सामान वगैरह लेके आता हूँ। यार मेरे को देखो, मैंने बैंक पहले सेलेक्ट कर रखा, दूसरा बैंक, उसमें यार पेमेंट आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैंने दूसरे बैंक में खाता खुलवाया, जिस बैंक का नाम है यस बैंक। और मेरी पेमेंट आई थी कल 22 तारीख को, मतलब 21 तारीख हो रखी थी, बट अमेरिका में 21 तारीख होती है, भारत में 22 तारीख है। तो मेरे को 22 तारीख को सुबह मैसेज आया था पेमेंट विड्रॉल होने का, और आज सुबह मतलब कि 23 तारीख को मेरे अकाउंट में आ भी गई थी, मतलब कि एक दिन। तो यार मेरे को यस बैंक की है ना सर्विस, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो शायद आप यूट्यूबर है ना, तो आप यस बैंक में या किसी भी प्राइवेट अच्छे जो बड़े लेन देन करता हो उस बैंक में अकाउंट खुलवाना, क्योंकि यार उसमें ना तो शिफ्ट कोड की प्रॉब्लम होती है, वहाँ से आपको शिफ्ट कोड आराम से दिया जाता है, और ना ही कुछ पूछताछ होती है कि आप क्या करते हो, कहाँ से पेमेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से पेमेंट बहुत ही ईजिली आ जाती है। तो आपको शायद ये नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो गाइस यार मैं अभी लेट हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को वीडियो शूट भी करनी है एक्सपेरिमेंट की, और एक्सपेरिमेंट चैनल का लिंक तो मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट वीडियो, यार इतनी मस्त आती है, अब तो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी है ना। बाकी अभी मैं जाता हूँ मार्केट, उसके बाद आपसे एक्सपेरिमेंट वीडियो में मिलता हूँ, और इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। और गाइस यार आप है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Girl about a 10, I should fuck her in the best, yeah.